वो कॉन्सेप्ट्स ही हैं कि सबसे पहले तो थायोनिक एसिड सीरीज के बारे में पता होना चाहिए। थायोनिक एसिड सीरीज, भाई ये थायोनिक एसिड सीरीज होती क्या है? भाई मैं बताता हूँ थायोनिक एसिड सीरीज क्या होती है। H2S2O6, सिर्फ ध्यान रखना, दिस एसिड, इसको अलग से क्यों कंसिडर कर रहे हैं भाई? अगर इसको मैं पेरेंट ऑक्सी एसिड में से डिराइव कर पा रहा था तो इसको मैंने अलग से डिस्कस किया ही नहीं होता। मैं इसको अलग से इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि ये जो सारे एसिड्स हैं, ये जो सारी सीरीज है, दे नॉट डिराइव्ड फ्रॉम द पेरेंट ऑक्सी एसिड, ये अलग से इनकी नेमिंग पड़ गई है ऐसे। ठीक है, तो H2H2O6 पर ध्यान रखना, सारा ऐसे ध्यान रखना यार, ये इवन है 226। ठीक है, H2H2O6, तो ये जो H2H2O6 होता है, दिस इज कॉमनली नोन एज डायथायोनिक एसिड। क्या होता है ये? डायथायोनिक एसिड। अब इसकी सीरीज है, उसमें क्या होता है पता है? सल्फर के एटम जो इसके कंसेक्यूटिव एटम है, कंसेक्यूटिव एसिड है, उसमें क्या होता है, एक एक सल्फर का एटम इंक्रीज होता जाता है। इसका जो नेक्स्ट एसिड है उसका फॉर्मूला होगा H2S3O6। दैट इज अपन ने डायथायोनिक एसिड में अगर एक सल्फर ऐड कर देते हैं अपन, तो दैट वुड रिजल्ट इनटू H2S3O6 और उसका नाम होगा ट्राइथायोनिक एसिड। वेरी सिंपल, ट्राइथायोनिक एसिड। अच्छा, अब मैं ट्राइथायोनिक एसिड में एक और एस ऐड कर देता हूं तो वो होगा H2S4O6। H2S4O6 इज नोन एज टेट्राथायोनिक एसिड। ये तो काफी सिंपल हो गया। ठीक है, अब ऐसे आगे बढ़ते जाओ और जब H2SN6 हो जाए तो इसे कहेंगे अपन पॉलीथायोनिक एसिड। वेरी सिंपल, पॉली थायोनिक एसिड। तो ये समझ में आ गया, थायनिक एसिड सीरीज H2H2O6 पेरेंट थायनिक एसिड होता है। इसके आगे बढ़ते जाओ, एक एक एस एटम ऐड करते जाओ तो उनका नाम अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ एस एटम्स बढ़ते जाएगा। यहाँ पे दो एस एटम है तो डायथायनिक एसिड। थायनिक मतलब क्या होता है? थायनिक इंप्लाइज सल्फर, सल्फर को थायनिक भी कहते हैं। ठीक है, तो तीन एस एटम्स हैं तो ट्राइथायनिक एसिड, चार एस एटम्स हैं तो टेट्राथायनिक एसिड, एन एस एटम्स हैं तो पॉलीथायनिक एसिड। ये हो गया। अच्छा, ये तो नेमिंग तो ठीक है, इजी हो गई, लेकिन इसके स्ट्रक्चर ही तो बना लेते हैं। अब साइमल्टेनियसली हम नेमिंग सीख रहे हैं तो स्ट्रक्चर भी बनाते आना चाहिए। अब इसके स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं, सबसे पहले देखते हैं H2H2O6। भाई ध्यान से देखो, H2H2O6, ठीक है, तो सेंट्रल एटम इज सल्फर, तो ये सल्फर बना दिया अपन ने। अब दो एच है तो यार यहाँ पे दो एच लगा दो सिमेट्रिकली। ठीक है, चार वो बचे, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार पांच, एक बचे, ये बन गया अपना स्ट्रक्चर H2H2O6 का। अब आप मुझे बताओगे कि H2S3O6 का स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, तो ध्यान से अगर ऑब्जर्व करो उसको, तो द ओनली डिफरेंस बिटवीन दीज टू स्ट्रक्चर्स इज एन एस एटम। सिर्फ एक एस एटम का डिफरेंस है। तो आप मुझे बताओ कि वो जो एस एटम है इस ट्राइथायनिक एसिड में, मैं कहां पे लगाऊंगा? क्या मैं एस एटम यहां पे लगाऊं या मैं एस एटम यहां पे लगाऊं? सोचो। तो यार एवरी स्ट्रक्चर, ऑलमोस्ट एवरी स्ट्रक्चर इज सिमेट्रिकल इन नेचर। मैंने अगर एस एटम यहां पे लगा दिया या लेट अस अज्यूम मैंने एस एटम ओ पे लगा दिया, तो ये सिमेट्री को डिस्टर्ब नहीं करेगा। अगर इसको सिमेट्रिकल होना है तो अपने पास एक ही पॉसिबिलिटी बचती है कि एस एटम को बीच में लगाओ। इन दोनों एस एटम्स के बीच में ये जो एक्स्ट्रा एस एटम आया, इसे अब कलेक्टिवली मैं कहूंगा ट्राइथायनिक एसिड। बड़ी अच्छी बात है, तो ऐसे ही चलते जाएगा। जब H2SNO6 दैट इज पॉलीथायनिक एसिड के स्ट्रक्चर की बारी आएगी तो यहां पे एन एस एटम्स बीच में आ चुके होंगे। ये भी समझ में आ गया। अच्छा एक बात बताओ, एक दो तीन चार, यहां पे जो एस एटम है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होनी चाहिए? सोचो, एक बहुत ही जनरल फंडा बताता हूं किसी भी एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए। एस एटम यहां से OH से जॉइंट है, ऊपर से एक डबल बॉन्ड O से जॉइंट है, नीचे से एक डबल बॉन्ड O से जॉइंट है। दैट इज
OH minus 1 double bond O is minus 2. Again it is minus 2. Collectively it is minus 5. Agar ye sare minus 5 hai, for the whole structure to be neutral, S should be plus 5. तो यहाँ के जो टर्मिनल S है उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई प्लस 5. ठीक है. अब यहाँ जो S है इसकी क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होगी भाई? इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट तो जीरो है, क्योंकि ये इस पूरे स्ट्रक्चर से जो जॉइंट है, ये जो S एटम है इन दो स्ट्रक्चर से जॉइंट है, और ये जो दो स्ट्रक्चर है दे आर इंडिविजुअली न्यूट्रल. दिस इंप्लाइज कि ये जो बीच वाला S है इसमें कहीं से भी कोई चार्ज नहीं आ रहा है. ये प्लस 5 है ना, ये माइनस 1 माइनस 2 माइनस 2 पूरा चार्ज कैंसिल हो गया. ये प्लस 5 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 1 ये पूरा चार्ज कैंसिल हो गया. तो द सेंट्रल S एटम इज जॉइंड बाय टू न्यूट्रल ग्रुप्स फ्रॉम बोथ द साइड्स. दैट इज व्हाई द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल S एटम इज जीरो. तो ऐसे ही चलते जाएगा, नीचे आते जाएगा जो सारे बीच वाले S एटम होंगे. जैसे हमें टेट्राथायनिक एसिड बनाता हूं तो ऐसा कुछ होगा, ये तो सब प्लस 5 होंगे और ये होंगे जीरो. ठीक है, ये समझ में आ गया, थायनिक एसिड सीरीज समझ में आ चुकी है. अब एक और जनरल फंडा, यू नो यू कैन ट्रीट इट एज एन एक्सेप्शन. थायो जो प्रीफिक्स होती है वो कौन से एसिड्स में आती है? थायो, इसको ध्यान से समझना. जब हम सारी प्रीफिक्सेस, इससे पहले वाली जितनी भी प्रीफिक्सेस पढ़ी हमने, उसमें हमने या तो वाटर मॉलिक्यूल्स एलिमिनेट किए, या हमने ओ एटम्स ऐड किए, या तो ओ एटम्स सब्ट्रैक्ट किए. तो अब यहां पे भी हम ऑक्सीजन एटम सब्ट्रैक्ट तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन एक डिफरेंस है. वो डिफरेंस है एडिशन ऑफ अ सल्फर एटम. ध्यान दो, पेरेंट ऑक्सी एसिड इज सल्फ्यूरिक एसिड. बढ़िया. अब इसमें क्या किया मैंने, ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है ना, इसमें से ए को निकाल दिया मैंने. ए को निकाला जैसे ही तो ये H2SO3 बन गया. इसका नाम पता है ना, सल्फ्यूरस एसिड. अब जो ये सल्फ्यूरस एसिड आया इसमें मैंने एक S ऐड कर दिया तो ये बना H2SO3. H2SO3 इज नोन एज थायो सल्फ्यूरिक एसिड. देखो इसको याद करने का एक बढ़िया सा तरीका है, सल्फर एटम है उसका जो ग्रीक में जो नाम होता है ना, दैट इज थायो. थायो मतलब सल्फर इन ग्रीक. तो थायो सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब हुआ यार, सल्फ्यूरिक एसिड तो पहले से लिखा हुआ है, अब इसके आगे थायो लिखा हुआ है. दिस इंप्लाइज देयर हैज टू बी एन एक्स्ट्रा S एटम, वहां पे कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा सल्फर तो है ही है. तो अब एक्स्ट्रा सल्फर कहां से आएगा? एक्स्ट्रा सल्फर कैन ओनली रिजल्ट बाय द एडिशन ऑफ सल्फर एटम. आप किसी ना किसी चीज में सल्फर ऐड करोगे नहीं करोगे तभी तो वो एक्स्ट्रा S आएगा, और एक्स्ट्रा S अगर आ गया तो द नेम हैज टू बी थायो. तो थायो सल्फ्यूरिक एसिड, इसको मैं छोटा करके लिखता हूं, H2SO4 मेजर मैंने एक O सब्ट्रैक्ट किया और उसमें साइमल्टेनियसली एक सल्फर एटम ऐड किया. द रिजल्ट वाज H2S2O3 कॉमनली नोन एज थायो सल्फ्यूरिक एसिड. समझ में आ गया, थायो सल्फ्यूरिक एसिड, बड़ी अच्छी बात है. अच्छा मान लो कि ये जो थायो सल्फ्यूरिक एसिड अभी अपन ने पढ़ा H2S2O3, या भूल जाते हो यार कि क्या H2S2O3 ही थायो सल्फ्यूरिक एसिड था, तो ध्यान से याद करो H2O3 2-, कुछ याद आ रहा है? H2O3 2- इज नोन एज थायोसल्फेट. याद आया? तो वो थायोसल्फेट, इसका नाम, इट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम दिस एसिड H2S2O3. तो जब भी भूलो कि यार थायोसल्फ्यूरिक एसिड क्या था, तो एकदम से दिमाग में आना चाहिए थायोसल्फेट क्या था. थायोसल्फेट तो H2S2O3 था, तो थायोसल्फ्यूरिक एसिड क्या था? H2S2O3. सिंपल है ना, ये एक अनायन है H2O3 2-, विच इज कॉमनली नोन एज थायोसल्फेट आयन. इसमें जब आप 2H+ ऐड करोगे इट विल बिकम H2S2O3, और उसका कॉमन नेम इस अनायन से ही डिराइव होगा, दैट इज थायोसल्फ्यूरिक एसिड. अच्छा ये तो हो गया.